स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और ये दोबारा एक छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि मैं आपको इस सेशन में स्पेशली करंट अफेयर के क्वेश्चन स्ट्रेटेजी जीके के साथ ज्यादा कराता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको मेरी आवाज आ रही है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखो, आपको पता है कि 5 बजे का सेशन और ये 10 बजे का सेशन, ये दो सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 बजे तो इवन मैं आपको आज नया सब्जेक्ट पॉलिटी कवर करवाने वाला हूँ, स्टार्ट करेंगे आज पॉलिटी को। ठीक है, तो मतलब आपका 10 बजे का सेशन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पॉलिटी कवर होगी। ठीक है, 5 बजे और 10 बजे ये दो सेशन तो देख लें, बीच के सभी सेशन देखे करो, छोटे छोटे सेशन जो होते हैं आधे आधे घंटे के, सो डेट की आपका मोमेंटम बना रहे। अब देखिए, अनअकैडमी कॉम्पैक्ट ज्वाइन करने का फायदा तो आपको हो ही रहा है, बहुत से बच्चों को हो चुका है। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप लाइव अमन रेफर कोड यूज करके अनअकैडमी कॉम्पैक्ट अटेम्प्ट करिएगा संडे को। ठीक है, और जब ये अच्छा इसका स्कोर आ जाता है ना, तो आप उसी रेफर कोड को, जैसे आप, ठीक है, आपका ये जो लाइव अमन रेफर कोड है ना, इस लाइव अमन रेफर कोड को यूज करके आप धमाका मचा सकते हो और बढ़िया तरीके से क्या बोलते हैं कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। ये फीस भी आपकी जीरो हो जाएगी अगर आपका अच्छा स्कोर रहा इसी रेफर कोड से। लाइव अमन रेफर कोड रखना है कि हाँ भाई, इससे आपकी फीस जीरो भी हो जाती है जब आप SSC अनअकैडमी कॉम्पैक्ट रिजल्ट अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, सभी टॉप एजुकेटर आपको 31 मार्च से पढ़ाने वाले, सफलता बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी बैचेस में जुड़िए। कैसे जुड़ना है देखिए, आपको ना एक SSC गोल सिलेक्ट करना है अनअकैडमी पे। ठीक है, फिर गार्डन क्लिक करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, 24 मंथ सेलेक्ट करेगा, उसके बाद रेफरल कोड यूज करेगा लाइव अमन। ये तरीका है, सभी को पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो ना, सब कुछ आपको चाहिए कि सिर्फ क्वेश्चन के अलावा बेसिक भी हो, एडवांस भी हो, सब कुछ हो, थ्योरी हो, तब सबके लिए आपको प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। स्टार्ट विद द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे जल्दी से बताएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताएगा, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड, कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, डिलीवर किया है ये गगनयान लॉन्च व्हीकल। ठीक है, सेगमेंट ऑफ गगनयान लॉन्च व्हीकल कौन सी कंपनी ने, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या, शेयर करना सेशन को जल्दी से बताइएगा, है ना, कौन सी कंपनी, आंसर क्या बेटा। ठीक है, लैरसन एंड टर्बो। ठीक है, ये जो कंपनी है ना, ये गगनयान लॉन्च व्हीकल जो है ना, इसके जितने सेगमेंट है वो मैन्युफैक्चर भी कर रही है, डिलीवर भी करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त तरीके से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं स्क्रीन पे, जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन आपको कंटेंट, ठीक है, मैं अश्योरिटी देता हूँ आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे ये सब। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन बस सिंपल पूछा था गगन लॉन्च व्हीकल कहाँ से मिले, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन इतने बड़े क्वेश्चन का। ठीक है, PMKSY का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करिएगा PMKSY का फुल फॉर्म क्या है, खुद बताएं इसका फुल फॉर्म क्या है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, PMKSY का फुल फॉर्म क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो यार, अब इसमें बहुत सारे दे रखे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना दे रखा है। ठीक, देखो यार, प्रधानमंत्री कुशल संपदा तो है नहीं, विकास है वो। ठीक है, तो वो गलत हो गया। किसान सेवा योजना भी नहीं है, मंत्री कल्याण संपदा योजना भी नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आसान ही है, डी है इसका आंसर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसका आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू होस्ट द टेस्ट मैच इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जल्दी से बताइए। पहले स्टेडियम का नाम बताइए जिसमें पहली बार भारत में टेस्ट मैच हुआ था। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन से स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में ही, जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, भारत में सबसे पहला टेस्ट मैच कौन से स्टेडियम में होता है देश आजाद होने के बाद, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, स्टेडियम का नाम भी बदल दिया गया, स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया शायद, है ना, तो ये आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ठीक है, जहां पे नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया, फिरोज शाह कोटला नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है इस समय। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। हाँ जी,
पांच कंट्री मिलके एक अलायंस बनाई है, ठीक है, पांच कंट्री ने मिलके एक अलायंस बनाया, बेटा शेयर करना। अब देखो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि भाई पांच कंट्री जो मिली है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके, ये पांच कंट्री मिली है, ठीक है। वैसे तो आप इस चीज को समझ सकते हो, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में से एक है जो जो मिली हुई है इस समय। अब ये जो पांच कंट्री अलायंस बनाई है, उस अलायंस का नाम क्या है, ठीक है, उस अलायंस का नाम क्या, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अलायंस क्या है, फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस, ठीक है, याद रखिएगा आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस, छोटे से छोटे पेपर में, बड़े से बड़े पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कौन सी कंट्री इसका हिस्सा है ये पूछा जा सकता है, 100% ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। मेरे क्वेश्चंस के साइज बड़े हैं लेकिन ये क्वेश्चन ना काम के हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लास्ट ईयर का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता, पहली बात तो ये, और ये इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा, भारत का रैंक क्या रहा है इस इंडेक्स में, कमेंट करिए। बताइए भारत का रैंक क्या रहा है इस इंडेक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शेयर करना सेशन को, ठीक है। आंसर क्या है, भारत का रैंक क्या रहा, 80th, ठीक है, 80 रैंक रहा भारत का इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। देखो महाबलीपुरम में जो रॉक कट टेम्पल है, ठीक है, इसको किसने मतलब वर बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से किंग के द्वारा जो है ना इसको, ठीक है, इसका निर्माण करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है ना, एक चीज को समझो, क्वेश्चन के लेवल पे जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, 100% कोई पेपर मुश्किल नहीं लगेगा आपको, जीके मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे ये क्या है, ठीक है, ठीक है, गुड इवनिंग कुलजिंदर, ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है बेटा, जो भी बच्चा देख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, अच्छा क्वेश्चन, आंसर क्या है, जब हम महाबलीपुरम की बात करते हैं हमारे दिमाग में पल्लवास आता है कि नहीं, ठीक है, शायद ये आसान आंसर हुआ आप सभी के लिए ना, ये पल्लवास किंग इसका आंसर। एक और क्वेश्चन है, 10 बजे के सेशन में टॉपिक वाइज जीके में अब आपका पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है बेटा, क्या स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, काम का सेशन होगा, ठीक है, मजेदार सेशन होगा। बताइए वर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज इज हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, जल्दी चलते हैं, इसमें से कौन सा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है, बड़ा आसान है, देखो इसके वैल्यू से पता चल रहा है कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी बैंड कौन सा है, ठीक है, हमें बस इतना पता होना चाहिए ना। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को अभी मैं स्किप कराऊंगा, ठीक है, अभी मैं स्किप कराऊंगा, बाद में करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसको। नाइट्रिक एसिड के साथ और कौन सा एसिड जो है ना एक रेंडर आयरन पैसिव होता है, बताइए विच मे रेंडर आयरन पैसिव, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नाइट्रिक एसिड के साथ क्रोमिक एसिड भी, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, ठीक है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, क्रोमिक एसिड। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो कौन सा देश परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, परमानेंट मेंबर इनमें से कौन सा देश, जल्दी से बताइएगा कौन सा देश इनमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक है, परमानेंट मेंबर कौन सा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर क्या इस क्वेश्चन, ठीक है, देखो आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर चाइना ही है, जापान नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, और यूक्रेन तो है ही नहीं, ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, चाइना है, ठीक है, और बेसिक सा क्वेश्चन था, गलत कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक, कमेंट करेगा बेटा, छोटा सेशन है, जरूरी सेशन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। हाँ जी, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स जो है किस दिन मनाया जाता है, जल्दी से बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स जो है ये किस दिन मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स जो है किस दिन मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स जो है ये किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 6 अप्रैल को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, 5 नहीं है बेटा 6 है, ठीक है, 6 तारीख को बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये नहीं कर रहे, क्वेश्चन अलग है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम आर लोकेटेड, भाई पूरी दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पेट्रोल रिजर्व्स जो हैं, ठीक है, ये कहां पे लोकेटेड हैं, जल्दी से बताइएगा, ठीक है,
ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दुनिया के सबसे ज्यादा जो पेट्रोल रिजर्व्स हैं वो कहां पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए सारे के सारे आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, दुनिया के सबसे ज्यादा पेट्रोल रिजर्व्स कहां पे लोकेटेड है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए सऊदी अरेबिया इसका आंसर है, देखिए सऊदी अरेबिया में दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, ठीक है, आपसे सिर्फ रिजर्व्स की बात कर रही जा रही है, प्रोडक्शन की बात नहीं कर जा रही, और कुछ नहीं बोल रहे बेटा, याद रखना अपन लोग ना कल ना करंट अफेयर स्पेशल करने वाले हैं, करंट अफेयर स्पेशल मतलब कहने का कि अपन लोग पूरे दिन करंट अफेयर ही पढ़ने वाले हैं, पूरा रिवीजन जो अभी तक के 12 महीने के करंट अफेयर जो नहीं पढ़ पाया वो कल रिवाइज कर सकता, पूरे स्टैटिक जीके नहीं होगा कल, नो स्टैटिक जीके, 10 बजे सुबह स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी क्लासेस लेंगे, 4 से 5 फ्री क्लासेस आपकी करंट अफेयर की होंगी, फुल करंट अफेयर, ठीक है, मैं इसका लिंक अभी लगवाऊंगा लिंक में, ठीक है, आप इसको एक्सेस जरूर करिएगा, अभी मैं करंट अफेयर का लिंक लगवाऊंगा, ठीक है, कल स्पेशल क्लास सुबह 10 बजे से स्टार्ट, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सा इसमें से ई कॉमर्स साइट है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करके ना डिजिटल पेमेंट को, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया है, जल्दी चल देखिए, ठीक है, कल सुबह 10 बजे से लाइव होगा, ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करें सारे सर, कल सुबह 10 बजे से लाइव होगा, आंसर क्या है स्नैपडील, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच बेस्ट डिस्क्राइबर अवेयर मूव अराउंड द कन्वेंशन, ठीक है, इसमें से अच्छा ये आसान क्वेश्चन है, कौन सी इसमें से स्टेटमेंट ये डिस्क्राइब करती है कि मूव एयर कैसे मूव करती है कन्वेक्शन के थ्रू, जल्दी से बताइएगा एयर कन्वेक्शन के थ्रू कैसे मूव करती है, कमेंट करिएगा इसमें से कौन सी लाइन डिस्क्राइब करती है, बताया आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का याद रखिए, कूल एयर फॉल्स डाउन, ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो ठंडी एयर है ना वो नीचे की तरफ आ जाती है, सिंपल सा बंडा है इसका, तो ठीक, क्योंकि जब अगर मैं बात करूं कोई एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी तो उसमें वर्क डन होगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगी लेकिन नीचे का एयर कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, साइंस की क्लास अभी होगी उसमें समझा दूंगा क्वेश्चन, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द पर्टिकुलर फूड इज डी कलर, ठीक है, डाउट जल्दी से बताइएगा, बताइए कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कंजम्पशन का, जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, विजिबल वो होलोजोइक मोड है, बी डेट बी व्हाट वी डू, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, होलोजोइक मोड है, बड़ा बेसिक सा है, ठीक है, कंठस्थ से भोजन को कंठस्थ किया जाता है, वी कंठस्थ, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस, कमेंट करिए कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, बताइएगा आंसर क्या, ठीक है, आंसर क्या है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो कौन सा है बेटा, मिथेनॉल और वाटर, ठीक है, अभी अपन लोग सब जानते हैं कि भाई पानी में मिथेनॉल मिक्स करेंगे तो पता थोड़ी चलेगा क्योंकि ये होमोजेनियस है, ठीक है, क्या है होमोजेनियस है, होमोजेनियस में पता नहीं चलता मिक्स किएगा, बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री हैज बीन ट्रेडिशनली कॉल्ड एज चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन, कौन सी इंडस्ट्री को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है, कौन से इसमें से, ठीक है, उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, जल्दी से बताइएगा, महत्वपूर्ण सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या है बेटा, शुगर इंडस्ट्री को, चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, पहले यूनियन मिनिस्टर जो श्री राम विलास पासवान इनका निधन हुआ ये पूछा गया कौन सी स्टेट से, बिहार से ऑब्वियसली छोड़ेंगे, कौन से भारत के ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं फॉर्मर जिनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है, जल्दी से बताइए राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया इनको आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए,
चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर रंजन गोगोई, ठीक है रंजन गोगोई इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, कमेंट करेगा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे कम है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, आंसर है लिथियम। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट ड्रैगन ब्लड ओजिन ट्री कौन सी स्टेट में पाएगा, पता किस स्टेट में पाएगा, डिस्कवर कौन सी स्टेट में किया गया, पहला ड्रैगन ब्लड ओजिन ट्री कहां पे डिस्कवर किया गया, जल्दी से बताएं आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का असम इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कौन सा आर्टिकल है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा पूछा जा सकता है। अब ये ना जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसे अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में बनाए गए, ठीक है ये किस आर्टिकल के तहत बनते हैं और ये खतरनाक सा क्वेश्चन हो गया कुछ ज्यादा ही, ठीक है ये कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 323A के तहत। बेटा अभी साइंस की क्लास भी होगी और साइंस की क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रात का 10 बजे का टॉपिक वाइज है जिसमें पॉलिटी स्टार्ट करने वाला, तो वो जरूर देखिएगा। अरे वेयर डज द ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेल, अच्छा ये स्पेलिंग गलत है, ये ट्रांसलोकेशन होगा, हाइड्रोप्लान छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, ये नहीं करना क्वेश्चन। बताइए विच स्टेट विल होस्ट द 4th edition ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम, ये कौन होस्ट किया है, ये कौन होस्ट किया है ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, चलो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है हरियाणा किया है होस्ट, ठीक है हरियाणा में हो चुका है, ठीक है 4th खेलो इंडिया यूथ गेम जिसमें महाराष्ट्र जीता था, ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ जी कौन सी बॉडी है जिसने कुछ रूल चेंज करे हैं चर्च में, चर्च के जो कानून होते हैं और उन्हें वुमेन्स को अलाउ किया गया है कि वो गोस्पेल रीड कर सकते हैं चर्च में, ठीक है पहले ये अलाउड नहीं था और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को अनाउंस किया है, ये कानून बदले गए और किसने अनाउंस किया इसको, जल्दी से आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए हु अनाउंस दिस, ठीक है आंसर क्या बेटा दिमाग पर क्या, पोप फ्रांसिस, ठीक है आप सभी जानते हैं चर्च के जो कानून होते थे डेफिनेटली वो पोप के द्वारा ही बनाए जाते हैं वेटिकन सिटी, ठीक है तो पोप फ्रांसिस इसका आंसर है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है हमें पता होना चाहिए अपडेट है कि ये बदलाव लाए गए हैं, ठीक है कौन से पर्व से, ठीक है भगवत गीता बिलोंग करती है, महाभारत के कौन से पर्व से भगवत गीता बिलोंग करती है, आंसर क्या है, ठीक आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है इंपॉर्टेंट है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर इसका भीष्म पर्व से संबंधित है, ठीक है फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच ट्वाइस, पहले यूएस प्रेसिडेंट जो कि ठीक है 2 बार इम्पीच किए जा चुके, जल्दी से बताइए, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है आंसर क्या है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है विवादों में रह चुके हैं तो इनको अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका महाभियोग की शुरुआत की जा चुकी है, ठीक है आप सभी जानते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच टेनिस प्लेयर हैज वन द पेरिस मास्टर टाइटल, कौन से ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जो कि पेरिस, ठीक है बेटा अभी जो क्लास होगी ना सबसे इंपॉर्टेंट क्लास तो अभी हम करेंगे रात को 10 बजे, ठीक है 10 बजे करेंगे, अभी हम ये सेशन कर लेते हैं पर 10 मिनट का और बचा है सेशन, छोटा सेशन कराता हूं मैं आधे घंटे का, ठीक है चलिए आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है डेनियल मेडविल इसका आंसर, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा सकता है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, वो ऑफ दीज फॉलोइंग मिसाइल इज मेड बाय टुगेदर इंडिया रशिया, कौन सी मिसाइल इंडिया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है क्या क्वेश्चन पूछे, ठीक है चलो एक और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है इंडिया और रशिया दोनों के साथ मिलके, ठीक है दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, क्योंकि ना ब्रह्मपुत्र नदी अपनी है और मोस नदी जो है इनकी है, ठीक है इसलिए ब्रह्मोस नाम रखा गया उसका, है ना ठीक है आसान। सेकेंड तेजस
जो एक्सप्रेस है वो मुंबई से कौन से शहर जाएगी, जल्दी से मुंबई से कौन से शहर, कमेंट करिएगा बेटा, पार्टिसिपेट करो सारे के सारे, आंसर बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है। अभी एक साइंस का छोटा सेशन कर लेंगे लूसेंट वाला, उसके बाद 10 बजे सेशन करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना, 10 बजे सेशन करेंगे बढ़िया तरीके से, आज पॉलिटी कर रहे हैं 10 बजे। चलो जी, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अहमदाबाद इसका आंसर है, ठीक है, अहमदाबाद इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, देखो यार ये मुंबई से क्या बोलते हैं अहमदाबाद तक एक है, और दिल्ली से, ठीक है याद रखिएगा, दिल्ली से लखनऊ तक दूसरी, ठीक है, ये दोनों का रूट का पूछा जा सकता है, ठीक है, दिल्ली से लखनऊ वाला भी पूछा सकता है और मुंबई से अहमदाबाद भी पूछ सकता है, दोनों में से पॉसिबिलिटी है, दोनों में से किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपसे। है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या, कमेंट करिएगा सारे के सारे, बताएं। है ना इंपॉर्टेंट, चलिए बताइए। पूनम डोमिंग फर्स्ट फर्स्ट वुमेन ऑफिसर रही है, ठीक है, विच स्टेट एज लेफ्टिनेंट कर्नल, जल्दी से बताइए कौन सी स्टेट से संबंधित, कौन से राज्य से संबंधित, जल्दी से बताइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड, इसमें से कौन सा मेटलॉइड है, मेटलॉइड मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी, आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, उसी के उदाहरण है सारे के सारे, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, सभी के सभी किसका उदाहरण है, ठीक है, मेटलॉइड्स का ही उदाहरण है, ठीक है, मेटलॉइड्स का ही उदाहरण है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच सिटी टू होस्ट 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आंसर क्या है, कौन सा सिटी जो है ना 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है होस्ट करने वाला है, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर है अगरताला, ठीक है, अगरताला जो है लॉन्च किया है, ठीक है, ये अपना हो चुका है, मतलब ये होस्ट कर लिया है पहले से, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन, फ्यूज वायर किसका बनता है, कमेंट करिएगा फ्यूज वायर जो है किसका बनता, आसान क्वेश्चन बताइएगा, पार्टिसिपेट करो भाई, जल्दी से बताओ आंसर क्या है, फ्यूज वायर किसका बनता है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, फ्यूज वायर किसका बनता है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो अटेम्प्ट कर लो, और सारे के सारे इंडियन पॉलिटी सर्च कर लेना यूट्यूब पे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, वैसे मैं आपको रात को 10 बजे अब, ठीक है, पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं, इंडियन पॉलिटी पूरा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, टॉपिक टू टॉपिक, प्रीएम्बल अलग, ठीक है, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग, फंडामेंटल राइट अलग, ठीक है, हर दिन अलग अलग क्लासेस होंगी, ठीक, काम क्लासेस होने वाले, जरूर ज्वाइन करेगा, ठीक है। चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड इसका आंसर, ठीक है, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड इसका आंसर, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ये क्लास होगी रात को 10 बजे, पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज रात को 10 बजे से वाईफाई स्टडी चैनल पर, मस्त तरीके से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे ए टू जेड। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या, इनकरेक्ट लोकेशन कौन सी है, ठीक है, बताइए, सिंपली वाला उड़ीसा में है क्या, है बिल्कुल है, नौकरेक है क्या, मेघालय में है, दिहांग देबांग है अरुणाचल, बिल्कुल है, नीलगिरी रिजर्व तमिलनाडु में है क्या, गलत, ये नीलगिरी तो केरला में है, ये नीलगिरी तो केरला में है, ठीक है, नीलगिरी किसमें, केरला में है, एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था वैसे, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, ये वैक्सीन के आइडल डोजेस के ऊपर क्वेश्चन है, रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक, जो क्या बोलते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन है ना, उसके डोजेस में ना थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, कितने दिन का, 21 से 28 दिन, ठीक, ये चीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, आइडल इंटरवल बताया है, ठीक है, डोसेस के बीच में, ठीक है, कोरोना डोसेस के बीच में, इंपॉर्टेंट, ठीक, कौन सा यूनियन टेरिटरी 100% ऑर्गेनिक हो चुका है, कमेंट करिएगा आंसर क्या, कौन सा यूनियन टेरिटरी 100% ऑर्गेनिक,
बताए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, कौन सा यूनियन टेरिटरी, आंसर क्या है? लक्षद्वीप जो है ना 100% जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक है, और सोलर सिस्टम वाला क्वेश्चन भी दीव वाला आ सकता है, दमन एंड दीव वाला है ना। चलिए सोलर सिस्टम पे जो सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा क्वेश्चन, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, अच्छा जी आई गया, सोलर एनर्जी पे 100% जो वर्क कर रहा है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो फर्स्ट है जो सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है पूरा 100%, कमेंट करिएगा आंसर क्या है, बताएं इसमें कोल एनर्जी यूज नहीं हो रही इस यूनियन टेरिटरी में, आंसर क्या बेटा, ठीक है आंसर क्या है याद रखिए, ड्यू इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है बताइए, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सबसे ज्यादा यूनिवर्सल जो सब सारे ब्लड ग्रुप कंज्यूम कर रहे हैं, ए बी इसका आंसर बताइए इस क्वेश्चन आंसर, ठीक हाँ जी बताइए, विच बेस्ट मैचेस द डिस्क्रिप्शन विद जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कौन सी डिस्क्रिप्शन सबसे करेक्ट है, जल्दी से बताइए जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कौन सी डिस्क्रिप्शन सबसे करेक्ट है, आंसर क्या इस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, सिंपल सी बात है डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, करेक्ट है, ठीक है चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है थीम क्या है, नेशनल आयुर्वेदा डे 2020 जो हुआ था उसका थीम क्या था, ठीक है नेशनल आयुर्वेदा डे 2020 का थीम क्या था, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है थीम क्या था बेटा याद रखिएगा, आयुर्वेदा फॉर कोविड-19, ठीक है आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 जो है, ठीक है तो यही होना चाहिए क्योंकि भाई लास्ट ईयर तो कोरोना का इतना इम्पैक्ट रहा कि वैसे अभी भी इम्पैक्ट चल रहा है, ठीक है हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक कौन बोल द होस्ट ऑफ दिस ईयर G7 समिट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है G7 समिट इस ईयर का जो है कौन बोल में हो रहा है, ठीक कौन से देश में लोकेटेड, जल्दी समझ लेंगे कौन से देश में लोकेटेड है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद हम थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक और फिर हम 8 बजे का साइंस का सेशन पढ़ने वाले हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, और रात को टॉप जो अपने जीएस टॉपिक वाइज जो होगा वो तो अपना ही है, ठीक है पॉलिटी स्टार्ट करूंगा आज से, ठीक है रात को 10 बजे इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी चैनल पर, रात को 10 बजे क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है आंसर यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर, ठीक है यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर, जो भी बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके पास समय है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंडियन पॉलिटी सर्च करिए, और साथ के साथ मुझसे अन अकेडमी के कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है लाइव और रेफर कोड यूज करके, ठीक क्या करना आपको, देखो यार कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपको क्या करना है इंडियन पॉलिटी सर्च करना पहला, तो ठीक है यूट्यूब पे सर्च करना है ना अगर पूरा फुल मैराथन पढ़िए तो, ठीक अभी साइंस की क्लास में पढ़ेंगे, साइंस की क्लास होगी अभी कितने बजे, ठीक है दिमाग पर रखिएगा 8 बजे, ठीक है मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला हूं अभी आपसे साइंस के, ठीक है बहुत बेसिक क्वेश्चन, चलिए सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से, ठीक कितने बजे 8 बजे साइंस की क्लास, और टॉपिक वाइज जीके तो अपना साइंस का जीके का होगा पूरा रात को 10 बजे, ठीक कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, तो यार कोर्सेज का बेनिफिट बहुत ज्यादा है, ठीक है बेनिफिट क्या है, पहला तो यार आप सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो बेसिक से, अगर आप अभी इधर क्वेश्चन पढ़ के टेंशन ले रहे हो कि यार क्वेश्चन नहीं आते तो यार कब आएंगे, जब बेसिक पढ़ोगे तभी आएंगे, टॉप एजुकेटर बैच लाइव है, सफलता बैच जिसे हम कहते हैं, ठीक है सफलता बैच में आप जुड़ सकते हो, ये लाइव हो चुका है 30 और 31 मार्च के बीच आपकी क्लासेस लाइव हो जाएंगी, ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए एसएससी गोल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है एसएससी गोल सिलेक्ट करने के बाद गेस्टबुक क्लिक करें, मन सिलेक्ट करके एक रेफरल कोड यूज करें लाइव अमन, ठीक है लाइव अमन रेफरल कोड यूज करें बहुत, ठीक है ठीक है 10% डिस्काउंट हो जाएगा आपका और आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है सेशन में एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से 8 बजे और 10 PM टॉपिक वाइज जीके जरूर पड़ेगा, ठीक है ओके भाई सभी चलिए अभी हमने सेशन को एंड कर रहे हैं, आप वार्तालाप में लगे हुए सारे आ जाए।